ले लेते हैं, फिर इस पर करेंगे विस्तार से विचार विमर्श। अमरीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमरीश बताइए, क्या है IRCTC को लेकर पूरी खबर? खबर का उद्भव वहां होता है जब सरकार ने कहा था सभी मंत्रालयों को कि आप अपने पास जो डेटा है, आप अपने पास जो एसेट्स हैं, उनको क्या कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं, इसकी हमको पूरी रिपोर्ट दीजिए। और उसी रिपोर्ट के हिसाब से जो रेलवे मंत्रालय, उसने अपने तमाम जो पीएससीज है और जो तमाम जो उनके दफ्तर है, उनके जो ऑफिस है, उनकी स्क्रूटनी शुरू की थी। और IRCTC को भी कहा था कि आपके पास क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और उसी क्रम में IRCTC ने अपना ये पहला टेंडर जारी किया है। अगर हम बात करते हैं ये डेटा की ही, तो डेटा के लिए ये साफ कहा जा रहा है कि KPMG ने एक रिपोर्ट बनाई थी रेलवे के तमाम प्रमाइसेस की, और उसमें IRCTC को ये कहा था कि IRCTC के पास प्रमाइसेस तो जो है उनको आप होटल और रेस्टोरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डेटा के नाम पर एक बड़ी प्रॉपर्टी है और उसका इस्तेमाल भी हम मोनेटाइजेशन में कर सकते हैं। और ये जो डेटा KPMG ने अनुमान लगाया है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और इसके लिए IRCTC ने टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 29 अगस्त तक बोलियां मंगाई गई हैं उन लोगों से जो कि किस तरह से मोनेटाइज करना है, किस तरह से पैकेट्स बनाने हैं, किस तरह से बकेट बनाना है, और किस तरह का डेटा दिया जा सकता है, और साथ ही साथ इसकी प्राइवेसी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकेगी, उस तरह की सारी जो डिटेल्स होगी वो कंसल्टेंट IRCTC को बताएंगे। तो IRCTC प्राइमरी स्टेज में है डेटा के मोनेटाइजेशन को लेकर, और इस पर अब आगे का जो काम है वो कंसल्टेंट के नियुक्ति के बाद तय करेगी IRCTC। इंटरेस्टिंग, IRCTC के पास जो डेटा है, जो आप टिकट करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होती है। टेक्निकल और फाइनेंशियल डेटा भेजेगी, प्राइवेसी वाले डेटा नहीं भेजेगी, जो पर्सनल डेटा वो नहीं देगी किसी को। लेकिन ये डेटा बेचे जा सकते हैं, तो इसका कितना पैसा आ सकता है, इसके लिए बोलियां मंगाइए। 29 अगस्त तक कंसल्टेंट बोलियां देंगे और ये लगेंगे। फाइनली स्टॉक में जान लौटी, लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक्चुअली, लेकिन इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है सर। ये ना वो जिस दिन उन्होंने कन्वीनियंस फीस वाला काम किया ना, उस दिन स्टॉक की चाल ही बिगड़ गई। बिल्कुल, नहीं तो इतना प्यारा स्टॉक है। और मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये रेलवे वाली कंपनी है ही नहीं, ये सरकारी कंपनी है ही नहीं। एग्जैक्टली, ये है हिंदुस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी। एब्सोल्युटली, ये वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जाकर टिकट खरीदते हैं। एब्सोल्युटली, वो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ होटल्स, कैब्स, क्या क्या बात, क्रूज की बुकिंग हो रही है, स्पेशल ट्रेन है, प्राइवेट जेट वगैरह सब। मतलब मैनेजमेंट रंजीत जी क्या गजब की मैनेजमेंट है भाई, वो क्या एग्रेसिव है लेडी, जो मतलब कंपनी की कमान संभालने के बाद क्या क्या नहीं करने की सोच रही है। और पेमेंट प्लेटफॉर्म भी है सर, पेमेंट प्लेटफॉर्म, और वो लगातार उस पर ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, तो आगे जाके वो एक और स्टोरी बन जाएगी। मतलब ये कमाल की कंपनी है। मतलब ये एक छोटी सी गलती जो उस समय की गवर्नमेंट ने कि कन्वीनियंस फीस लगा दो, उस चक्कर में स्टॉक का जो पूरा मतलब मूल माहौल बिगड़ गया। वापस अब पुरानी ग्लोरी में आने में वक्त लगेगा, बट वाकई में ये एक स्टॉक है जो थोड़ी सी भी अगर आपके रिस्क लेने की ताकत है तो पोर्टफोलियो में रखने ऐसा स्टॉक है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब बढ़िया कंपनी, टॉप क्लास मैनेजमेंट, और आगे के लिए आउटलुक बहुत ही बेहतर है। ये है आपके लिए IRCTC। IRCTC, किरण जी किधर है, जरा दिखाओ शकल। हाँ क्यों, अभी पिछले हफ्ते मुझे याद है किरण जी ने IRCTC रिकमेंड किया था, तब मैंने बोला किरण जी नहीं हो, सॉरी मुझे याद तो आ गया किरण जी, अब है नहीं लेकिन याद आ गया। भले किरण जी ना हो, किरण जी की मदद कौन करेगा मुझे बता, हाथ खड़ा करें, खाली अपनी पिक आए तभी हाथ मत खड़ा कीजिए, दूसरों की मदद करने का टाइम आया तब भी हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, हिमांशु जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं और वागले साहब भी कर रहे हैं, अब तो सभी करेंगे मेरे दांत लगाने के बाद तो। लेकिन लेकिन ये मतलब सम्मान जाता है वागले साहब, वागले साहब बताएं सर IRCTC पर अपनी राय। अनिल जी, पहले तो ना इसमें आपको एक दो दिन वाला व्यू नहीं लेना है, इसमें पोजिशनल व्यू लेंगे तो बहुत ही बढ़िया मूव मिल सकती है। आज एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वो मुझे दिखाई देता है। आपको फ्रेश एंट्री करनी है या पहले लिया है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से बने रहना है, जो 672 के उसके नीचे थोड़ा सा, मेरा मानना है 750-760 तक कुछ दिनों में जा सकता है। मैं इंट्राडे या एक दो दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 हफ्ते में ये 750-760 तक के लेवल्स आपको देगा। 750-760 तक के लेवल्स आपको IRCTC में बड़े लेवल्स आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में, ये राय आपके लिए। और धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी का भी।